प्रतिशत चैप्टर का एक्सरसाइज बी, एक व्यक्ति मनोरंजन पर 129.50 रुपये खर्चा करता है जो उसकी आय के 1/4 भाग का 25% है। ठीक है, उसकी आय के 1/4 भाग का 25% है, उसकी आय कितनी होगी? माना व्यक्ति की आय एक्स रुपए, कितना? एक्स रुपए। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार व्यक्ति की आय का 1/4 भाग का 25% 129.50 रुपये है। मनोरंजन पे इतना खर्चा करता है, उस व्यक्ति की आय का 1/4 भाग का 25% इतना रुपए है। ठीक है, तो x का x, 1/4 का 1/4, अब 25% का 25/100 बराबर 129.50 रुपये। अब 25/100 उसको उधर ले जाओ, 1/4 को उधर लेके जाओगे, 129.50 रुपये 1/4 को 1/4 को 4/1, 25/100 को 100/25, तो ये आ जाएगा। ये चारों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखो, ये आ गया हमारा 2070। प्रश्नानुसार को इंग्लिश में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखते हैं लेट इनकम ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन उसका एक्स रुपए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना आप लोग इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी आय का 3% दान मिलता है और जो बचता है 97% में आय का 90% खर्च कर देता है, तो 7% बचता है उसके पास, 7% के हिसाब से 1,750 रुपये है, तो उसका कितना होगा? 1,050 का 7% से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 25,000। चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट इनकम ऑफ बिजनेसमैन, लेट इनकम ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की इनकम कितनी है? एक्स रुपए। ठीक है, माइनस 3% डोनेट कर देता है 3%, एक्स का 3% निकालोगे 3/100 जाएगा 0.03x रुपए, इसमें से इसको माइनस करें तो 0.097x रुपए आएगा। ये 1 है, 1 में से 03 माइनस कर तो 97 आएगा, ये शेष बचा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद 90% क्या करता है? परिवार पर खर्च, है ना, 90% क्या करता है? खर्च करता है, स्पेंड करता है, स्पेंड्स ऑन हिज फैमिली, ऑन हिज फैमिली 90% खर्च कर देता है। किसका 90%? इनकम का। इनकम कितना है? एक्स। एक्स का 90%, 90/100 क्या आएगा? 0.90x रुपए, या 0.9 लिख सकते हो आप, इसमें इसको माइनस कर तो 0.07x रुपए आएगा। यह आएगा इतना रुपए, लास्ट में बचा अंतिम शेष, मतलब टोटल 100 रुपीस में आप 93 रुपीस आप माइनस कर दे तो 7 रुपीस बचा, ऐसा है। ठीक है, 1 रुपए में 0.07 पैसे, ऐसा टाइप का। ठीक है, ओहो मैं इंग्लिश में लिखा था फिर हिंदी में भी लिख दिया, मिक्सअप हो गया, क्योंकि 0.07 रुपीस में अंतिम शेष में ना में कुल आय कितनी थी? कुल आय एक्स रुपए था। ठीक है, आप सॉल्व के भी बना सकते इसको, इसलिए 1,750 रुपए में कुल आय कितना होगा इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई करते इसे डिवाइड कर देते हैं, एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स का इसे गुणा कर दो 1,750 से, 1,750 डिवाइड बाय 0.07x, एक्स एक्स कटेगा, इसको 0.07 से डिवाइड करोगे तो 25,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अतः व्यक्ति की कुल आय या व्यापारी की आय 25,000 रुपये
होगी। ठीक है, एक तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया, ऐसे में आप 100 लेके बना सकते थे। अंतिम शेष मेरे पास 0.07x आया था, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ लास्ट में से। ये दूसरा आंसर है ना, ठीक है, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ के बना रहा हूँ। अंतिम शेष हमारे पास कितना, 0.07x। अब बुक के हिसाब से कितना है, 1750 रुपये। तो x बराबर 1750 डिवाइड बाई 0.07 करोगे तो x का मान 25,000 रुपये आ जाएगा। दिखा गया, ये सब लिखने का झंझट ही नहीं रहा। ये x में तरीका है कि शॉर्ट आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, 100 लोग के बनाओगे तो एक ही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है, माना फल विक्रेता के पास आम कितना है, x पीस। ठीक है, 10% क्या हो गया, खराब हो गया। खराब कितना, x का 10%, 10 डिवाइड बाई 100, 0.01 आएगा, सॉरी 0.1 आएगा ओनली, 0.1। और x है तो x क्योंकि 0 0 कटा, 0 कट जाएगा, मतलब 0.1x आएगा। ठीक है, 1। ठीक है, या फिर आप 1 का 10% निकाल दो, आपके कैलकुलेटर में 0.01 आएगा, या 1 से 0.1 जब आप माइनस करोगे तो 0.9x आएगा। ये बचा आपके पास शेष। हमारे पास मान के चलो विशाखापट्टनम से आया था माल आम x रुपए, है ना, उसमें से 10% खराब हो गया तो इतना बचा 0.9x, मतलब 90% आम अभी बचा आपके पास। इस 90% में शेष जो बचा है उसका 75% सेल कर दिए, शेष कितना बचा इसका, शेष का बोला है तो शेष का 75% विक्रय, विक्रय किसका है, शेष का। पिछले क्वेश्चन में शेष नहीं बोला था, आय का बोला था, तो आय का बोला था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स का 3% निकाला था और एक्स का 90% निकाला था। देखो एक्स का, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बोला था आय का 3% दान, आय का 90%। यहाँ पे जितना आम है उसका खराब हो गया 10%, और जितना आम है उसका 75% नहीं बेचे, जो हमारे पास बचा हुआ है ना उसका 75%, 0.9x का 75% हम लोग क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब 0.9 का 75% निकालोगे, x का x लिख दो साइड में, इसका 75% निकालोगे तो 0.675 आ गया। ये 9 है, 9 मतलब ये 900 के बराबर है, यहाँ पे हमारे पास 675 है, सॉरी हाँ 675, ये जो है 9 जो है 900 के बराबर है, ये 675 है। इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा, अगर कैलकुलेटर में आप माइनस करोगे ना तो 0.225x आएगा। ये आपके पास अंतिम शेष, ठीक है, x आम था इसका 0.1 खराब हो गया तो 0.9 आया, 0.9 का 675 माइनस कर दिया तो 2.25x आ गया, सॉरी 0.225 आ गया। अब उसके पास लास्ट में कितना आम बचा, खराब होने के बाद, अब बेच देने के बाद 75% बेच देने के बाद 90 आम बचा है, और हमारे पास x लिए तो कितना बचा है, 0.225x बचा है। तो अंतिम शेष 0.225x हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना है, 90 आम। x बराबर 90 डिवाइड बाई 0.225, इसको इसे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 400 आम। अतः फल विक्रेता के पास कितने आम थे, 400 आम थे, अतः इसमें से 100 मैंने खा लिया। अतः फल विक्रेता के पास 400 आम थे। ठीक है, x बराबर 400 आम थे। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 9/10 भाग घरेलू कार्य में खर्च करता है, और 9/10 भाग मतलब 90% होता है, ये हम 9/10 भाग लिखेंगे। शेष का 30% दान देने के बाद
उससे 1750 रुपये बचत होती है। सेम है भाई, 0.7 को डिवाइड किया था 25 से रहा था, तो ये भी वैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। माना क्वेश्चन नंबर 6, माना व्यक्ति की मासिक आय, व्यक्ति की मासिक आय कितना भाई, एक्स रुपये, इसको 100 लिख के बनाया जा सकता है। 9/10 धन क्या करता है, घरेलू कार्य में खर्च कर देता है, ठीक है, घरेलू कार्य में खर्च, घरेलू कार्य में खर्च है ना, एक्स का 9/10 भाग। अब कैलकुलेटर में 9/10 भाग करो, एक्स से तो गुणा होगा नहीं, तो आएगा आपका 0.9x आएगा। अब एक से 0.9 को माइनस करते हो आपका आपका 0.1x रुपए, 0.1x रुपए आएगा, ये शेष बचा। अब जो आपके पास शेष बचता है, जो शेष आपके पास बचा है, उस शेष का 30% दान करने के बाद उसके पास 1750 रुपए अंतिम बचत होती है। शेष का दान कर देता है 30%, शेष कितना होता है 0.1x, इसका 30%, 30% 30/100, तो 0.1 का 30/100 करोगे आप तो 0.03x आएगा। इसमें से इतना दान देने के बाद आपके पास अंतिम बचत जो बचती है वो है 0.07x रुपए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अंतिम बचत कितना है, प्रश्नानुसार अंतिम बचत है 1750 रुपए, और हमारे हिसाब से कितना है 0.07x, तो x बराबर इसको इसके साथ डिवाइड में डाल दो, 1750 डिवाइड बाय 0.07, इसको से डिवाइड करो तो x बराबर आएगा 25,000 रुपए, ठीक है। अतः व्यक्ति की मासिक आय x बराबर 25,000 रुपए होगी, ऐसा आप यहाँ पे लिख लेना।